ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक युवती इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, मगर योगी सरकार में उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। बिजनौर के नजीबाबाद बसंती माता मोहल्ला की रहने वाली युवती का विवाह नजीबाबाद तहसील के जलालाबाद मोहल्ला गुलिस्तान के रहने वाले फहीम अंसारी से चंडीगढ़ में हुई थी। पीड़ित युवती का आरोप है कि निकाह के बाद भी उसके शौहर फहीम अंसारी के पिता नईम अंसारी ने घर में नहीं आने दिया। पीड़ित शौहर के साथ करीब एक वर्ष अलग रही, मगर अब युवती से तलाक की मांग की जा रही है और उसके शौहर को नज़रबंद किया गया है। युवती को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। पीड़ित युवती की अश्लील वीडियो भी बनाई गई और उसके पैसे भी ले लिए गए। पीड़ित ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर DIG IGSHO तक अपनी फरियाद लगाई है। आश्वासन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ तो पीड़ित युवती ने बताया कि धाराएं गलत लगाई गई हैं। ऐसे में युवती को समझ नहीं आ रहा है कि अब इंसाफ के लिए वो क्या करे और कहां जाए। मेरा मामला यह है कि मेरा हस्बैंड से मेरा निकाह हुआ था, फहीम अहमद से चंडीगढ़ में ही मेरा निकाह हुआ था। तो निकाह के बाद में उनके घर वालों ने अपनाया नहीं था, हम रह रहे थे साथ में वहीं पे एक साल से चंडीगढ़ में। उसके बाद में जो है मेरे जो शोहर थे उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती गर्भपात भी कराया था। मेरे जो 3 लाख रुपए थे कारोबार के बहाने से उन्होंने वो भी लिए थे। यहाँ तक मेरी उन्होंने वीडियो भी बनाई अश्लील और मेरे साथ अपकृतिक संभोग भी किया उन्होंने मेरी बिना मर्जी के। तो इसी चीज़ को लेकर के मैंने उनसे और मेरे जो वहाँ पर घर पर मैं मौजूद नहीं थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो चंडीगढ़ से आए थे, तो मेरे 15,000 रुपये नकद जो रखे थे और सोने के जो सामान रखा था वो भी लेकर के आ गए थे। इनके घर पर भी आकर के मैंने उनको साथ में रहने के लिए बोला उसके बाद भी, लेकिन इनके घर वालों ने इनकी दूसरा निकाह करने के लिए बोल दिया। और ऊपर से मेरे ससुर ने मुझे धमकी दी जब्बार से गोली मरवाने के लिए, क्योंकि जब्बार उनका साला है इसलिए उन्होंने गोली मरवाने के लिए धमकी दी। थाने में जा करके मैंने ये चीज़ बोली, 12 तारीख से वहाँ पर चक्कर काट रही थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। DGP ऑफिस गई, मुख्यमंत्री के आवास पर गई जनता दरबार में, वहाँ पे उनके आदेश के मुताबिक इन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज किया तो मेरी धाराएं गड़बड़ कर दी। फिर मैंने DGP सर से शिकायत करी धाराओं के लिए, फिर DGP सर ने थाना नजीबाबाद के SHO को कॉल किया, उन्होंने जो है जिन्होंने धाराएं लगवाई थी मेरी राजकुमार जो थे उनको बोला कॉल करके धारा सही करने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं करी। कुल मिला के यह है भैया, मुझे तो थाना नजीबाबाद से इंसाफ मिलने की उम्मीद है ही नहीं। इसी चीज़ को लेकर के मैंने SP साहब के पास में गई थी कि मेरा थाना बदल कर दीजिए, तो SP साहब ने भी जो है संदीप पवार को ये आदेश दे दिए थे कि 5 दिन में इसमें चार्जशीट लगा दो, 377 और 312 धारा हटा दो। और मेरी सास को वहाँ पर बुला लिया था फैसले के लिए, बात करने के लिए, मेरी सास ने भी वहाँ पर बहुत बदतमीजी। तो आपको पुलिस से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है? नजीबाबाद के थाने से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है मेरी। बस मैं IG साहब के यहाँ पर भी मुरादाबाद यही गई थी अपनी तफ्तीश चेंज कराने के लिए कि मेरा थाने नजीबाबाद थाने से हटा कर किसी भी थाने में कर दी। पीड़ित युवती अपने ससुर नईम अंसारी और पति फहीम अंसारी पर कार्रवाई की मांग कर रही है, मगर वहीं तमाम अधिकारियों से पीड़ित के मिलने के बाद भी युवती को इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। वहीं पीड़ित लड़की का कहना है कि पुलिस दबाव में आकर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। जलालाबाद चौकी इंचार्ज संदीप पवार का कहना है कि पुलिस लगातार आरोपी के घर जा रही है, मगर आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश भी जारी है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।